गायत्री रसोई में आपका स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति स्पेशल तिल का पट्टी बनाने वाले हैं। तिल और मूंगफली दोनों को मिला के तिल पट्टी बनाएंगे और देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले 1 कटोरी तिल ले ली है, सफ़ेद तिल है, और आधा कटोरी भुना हुआ मूंगफली है ये, और 1 कटोरी गुड़ लिए हैं, 1 चम्मच लिए हैं शुद्ध घी लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें तिल को भून लेते हैं। तिल को धीमी आंच में भूनना है, इसको थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तिल हमारा भुना गया है, थोड़ा ही से इसको भूनना रहता है, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके बाद गुड़ का चाशनी बना लेते हैं, और हमारा मूंगफली तो भुना हुआ है इसलिए उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ता है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसको धीमी आंच में मेल्ट कर रहे हैं, तब तक से ये तिल को दरदरा पीस के ले आ रहे हैं। इसके बाद ये मूंगफली है, इसको भी दरदरा पीस के ले आ रहे हैं। गुड़ हमारा घुल गया है तो इसमें थोड़ा से घी डाल दे रहे हैं। घी डालने से इसका स्वाद बढ़िया लगता है। तिल को इस तरह से दरदरा पीस के लाना है, ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, पीस के ले आए हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा गुड़ पक गया है। इसको थोड़ा से इस तरह से पानी लेते हैं और इसमें थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में इस तरह से चेक करके देखते हैं, देखिए कट से टूट रहा है, इसका मतलब कि हमारा गुड़ का पाक बन गया है। तो गैस के फ्लेम को बंद कर दी हूँ मैं, और ये तिल है इसको इसी में डाल के जल्दी से हमको मिलाना रहता है, और इसी में ये मूंगफली भी रखे थे उसको भी डाल के मिलाना रहता है, और इसको अच्छी तरह से जल्दी से मिला लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको गरम गरम ही इस तरह से इसको लोई बनाना रहता है। और एक चकली ले लेते हैं, उसमें इस तरह से दबा के इसको करना रहता है, लगा लेना है ताकि हमारा चिपके ना। और इस तरह से बेलना ले लेना है एक, और बेलना में भी थोड़े से घी लगा लेना है। उसके बाद में फिर इसको पतला पतला बेल लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको बेल लिए हैं। ध्यान रहे कि इसको गर्म में ही बेलना है, ठंडा होने के बाद में ये नहीं बनता है। और इसके बाद इस तरह से एक पिज्ज़ा कटर लेके इसको गर्म में ही काटना है। यदि आपके पास पिज्ज़ा कटर नहीं है तो चाकू से भी इसको काट सकते हैं। गर्म में ही इसको कट के निशान लगा देते हैं और ठंडा होने के बाद में इसको निकालना है। तो इसको अपने मनपसंद से छोटा बड़ा काट सकते हैं। इस तरह से इसको काटने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, फिर निकाल लेंगे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो काट लिए हैं तो देखिए आसानी से निकल जा रहा है। और ये ठंडा होने के बाद में और ज़्यादा इस तरह से देखिए क्रंची हो जाएगा ये। अभी भी थोड़ा सा गर्म है। लेकिन ये जितना ज़्यादा इस तरह से देखिए, जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा, इस तरह से देखिए कैसे आवाज़ आ रहा है, जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा इसका क्रंच उतना ही बढ़िया बनेगा। इस तरह से देखिए कट के निशान लगा दिए हैं तो ये आसानी से हमारा कट जा रहा है। इस तरह से देखिए ये ठंडा हो गया है और कितना क्रंच बन गया है, और ये आसानी से ये बन जाता है। और ठंडा होने के बाद इस तरह से देखिए कैसे, इस तरह से देखिए कैसे टूट रहा है ये, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है
कि गुड़ का जब पाक बनाते हैं तो उसको सही कंडीशन में उसको बनाना रहता है, और यदि उसको नरम बना दिए तो ये दांत में चिपकने लगता है, और यदि ज़्यादा पका दिए तो काला पड़ जाता है और स्वाद में कड़वा आ जाता है। तो इसीलिए बस थोड़ा सावधानी करना पड़ता है। थोड़ा सावधानी करने के बाद में ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।